व्हाट्स अप गाइस, अजय एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो गाइस, आज का टॉपिक रहने वाला है कि आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की। दोस्तों, ये सीरीज चलने वाली है काफ़ी लंबे समय तक, जब तक इसके फाइनल एग्जामिनेशन नहीं हो जाते। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि कांस्टेबल टेलर में, कांस्टेबल गार्डनर में और कांस्टेबल कुक में कौन कौन सा ट्रेड टेस्ट आपका लिया जाएगा, कितने कितने नंबर का लिया जाएगा। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले ये कहूँगा कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। तो दोस्तों, मैं ये चाहूँगा कि कोई भी आप अपने आसपास कुछ भी दोस्तों हर एक काम को छोड़ के इस वीडियो के ऊपर फोकस कीजिए। दोस्तों, बहुत ही काम की दोस्तों आपकी होने वाली है वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले मैं शुरू करने वाला हूँ कांस्टेबल टेलर की। दोस्तों, कांस्टेबल टेलर का कुल मिला के 250 नंबर का स्किल टेस्ट होने वाला है, जिसमें दोस्तों चार भागों में इसके काम बांटे गए हैं। 15 नंबर दोस्तों आपको मिलेंगे कि आपको कैसे किसी भी कपड़े का नाप लेना आना चाहिए, किस तरह से मेजरमेंट करते हैं, किस तरह से कपड़े को काटा जाता है, कपड़े को सिला जाता है, सर्दियों के कपड़े और गर्मियों के कपड़े को कैसे सिला जाता है दोस्तों, ठीक है, ये 15 नंबर का है। 10 नंबर में दोस्तों आपको आएगा कि आपको अलग अलग टाइप के धागे, फैब्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए, उनके यूज़ के बारे में पता होना चाहिए, हमें कौन सा धागा किस कपड़े को लगाना है। दोस्तों, ये आता है आपका 10 नंबर का। 15 नंबर में दोस्तों आपका अलग आता है कि आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए दोस्तों, आपको सिलाई मशीन जो होती है वो चलानी आनी चाहिए, उसको ओपनिंग करना, उसको चढ़ाना, उसमें जो भी रिफिलिंग होती है ऑयल वगैरह, उसके मेंटेनेंस करना दोस्तों आपको आना चाहिए, ठीक है। ये हुआ 15 नंबर का। 10 नंबर का दोस्तों और एक और लास्ट सेक्शन रहेगा, इसमें दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो हमने मशीन अपने जो कपड़े काटने के लिए दोस्तों कपड़े को बनाने के लिए जो हमें अपने यूज़ करते हैं, जैसे कि टूल्स यूज़ करते हैं, कैंची वगैरह होगी, जो भी A to Z सामान जो होता है कपड़े बनाने के यूज़ होता है दोस्तों, उसका आपको पता होना चाहिए दोस्तों, और आपको उसका चीज़ों का पता होना चाहिए कि हमें वो चीज़ कैसे पुट करनी है। दोस्तों, कुल मिला के 50 नंबर का। दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ कि कांस्टेबल टेलर में किस तरह से दोस्तों आपको करना है काम, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, कुल मिला के दोस्तों इसमें अगर 50 में से अगर आप 25 नंबर ले लेते हो फिर जनरल के लिए, तो आप दोस्तों क्वालिफाई कर जाओगे। अगर आप SC ST OBC हैं तो 20 नंबर पर आप क्वालिफाई कर जाओगे। नेक्स्ट दोस्तों, कांस्टेबल गार्डनर की बात करूँ मैं, तो कांस्टेबल गार्डनर भी 50 नंबर का टेस्ट रहेगा, जिसमें दोस्तों इनका जो है सेक्शन 5 सेक्शनों में काम बांटा गया है। पहले सेक्शन में दोस्तों आपको पता होना चाहिए अलग अलग प्रकार के पौधों के बारे में, जो कुछ मौसमी होते हैं दोस्तों, कुछ वैसे होते हैं, उनके चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन से मौसमी पौधे होते हैं, फूल होते हैं। ये 10 नंबर का। आपको अलग अलग टाइप के केमिकल फर्टिलाइज़र के बारे में पता होना चाहिए, खाद वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है गाइस, ये भी 10 नंबर का है। आपको पता होना चाहिए कि हमें जो बीज है किस तरह से उगाना, किस तरह से प्लांटेशन करना है, पौधा उगाने की तकनीक क्या होनी चाहिए दोस्तों, बिल्कुल प्रोफेशनल टेक्निक से आपको काम करना है। आपको पता होना चाहिए कि कैसे ग्राफ्टिंग करनी है, कैसे पॉकेट्स बनाने हैं फ्लावर के ऊपर दोस्तों। आपको जैसे कि पता होगा, अगर आपने देखा भी होगा, तो एक ही टहनी के ऊपर दोस्तों अलग प्रकार के पौधे लग रखे, अलग प्रकार के फूल लग रखे होते हैं रंग बिरंगे, वो कैसे करते हैं, ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं दोस्तों, उसका आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से हम इसमें औजार इस्तेमाल करते हैं गार्डनिंग में दोस्तों, जैसे कि पाइप हो गया, जो भी दोस्तों औजार होते हैं गार्डनिंग के दोस्तों, हमें तो नहीं पता, लेकिन अगर आप करते हो दोस्तों तो आपको ज़रूर पता होगा दोस्तों। वो भी 10 नंबर का आपका लिया जाएगा, यानी कि कुल मिला के 50 नंबर का आप लिया जाएगा। मिनिमम मार्क्स रखे गए हैं 25 नंबर तो जनरल के लिए, एंड SC ST OBC के लिए 20 नंबर। गाइस, अब मैं बात करूँगा आपका सफाई कर्मचारी के बारे में, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे था मेरा कमेंट। तो गाइस, ये भी 50 नंबर का रहेगा, जिसमें दोस्तों आपको सबसे पहले दोस्तों पर पूछे जाएंगे कि आपको पता होना चाहिए कि किस किस मटेरियल से हमें सफाई करनी है, कौन कौन से औजारों का हमें इस्तेमाल किया जाता है सफाई के लिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, आपको आपसे बाथरूम साफ़ करवाया जाएगा, आपसे टॉयलेट साफ़ करवाई जाएगी, और साथ में वॉश बेसिन साफ़ करवाया जाएगा, जिसके आपको 15 नंबर मिलेंगे। और दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कलेक्शन एंड प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ट्रैश गार्बेज, यानी कि दोस्तों आपको गार्बेज दोस्तों जो हम यूज गार्बेज जो हम हमारा हम बसता है जो हम गंद हमारा फैलाते हैं दोस्तों, उसका आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि हम इसे कहाँ पे रखा जाता है। आपसे दोस्तों जो सीवरेज की पाइप होती है, सीवर की पाइप होती है दोस्तों, लेटरिन की पाइप या सेप्टिक टैंक की पाइप दोस्तों, वो आपसे ओपन करवाई जाएगी, हो सकता है दोस्तों वहाँ पर आपको ब्लॉक मिले या फिर आपसे चेक करवाया जाए। तो दोस्तों, ये था कॉन्स्टेबल सफाई कर्मचारी के लिए। नेक्स्ट दोस्तों, मैं कॉन्स्टेबल कुक की बात करता हूँ। कॉन्स्टेबल कुक का भी 50 नंबर का रहेगा, जिसमें दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि आपको नॉन वेज और वेज दोनों टाइप की दोस्तों आपसे खाना बनवाया जाएगा। हो सकता है कि आपसे वहाँ पे वेज बनवाया जाए, हो सकता है कि नॉन वेज बनवाया जाए, और आपको यह पता होना चाहिए कि उन चीज़ों में कौन कौन से हमें मसाले डालने हैं दोस्तों। आपको नेक्स्ट पता होना चाहिए मेथड ऑफ गार्निशिंग एंड सर्विंग। दोस्तों, गार्निशिंग का दोस्तों मतलब यह होता है कि कैसे, अगर आप जैसे कि आपको पता है कि अगर सलाद वगैरह आप काट के देते हो दोस्तों, तो सलाद के ऊपर आपको नमक डालना है, थोड़ी सी काली मिर्च, इसको गार्निशिंग कहते हैं। और कैसे हमने फूड को सर्व करना है, यानी फूड को हमने कैसे उनके सामने प्रेजेंट करना है।
हाइजीन को आपको अच्छे ध्यान रखना है दोस्तों, सैनिटेशन का, और सब किचन की सफाई के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये 50 नंबर का दोस्तों आपका ट्रेड टेस्ट यहाँ पे मैं कंप्लीट शो कर चुका हूँ। कॉन्स्टेबल कुक का दोस्तों, सफाई कर्मचारी का, एंड दोस्तों कॉन्स्टेबल टेलर का, एंड सफाई, और दोस्तों तीन मैं आपको ट्रेड टेस्ट के बारे में बता चुका हूँ। दोस्तों जो जो दोस्तों नोटिफिकेशन में दिया जाता है दोस्तों, वही वही दोस्तों 101% दोस्तों वहीं पर ऐसा काम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको मेरी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गाइस बिल्कुल सही लगी हो। तो गाइस इस वीडियो को लाइक करना, और दोस्तों हम इस वीडियो के ऊपर लाइक का एम रखते हैं 200 लाइक। अगर आप 200 लाइक कर देते हैं दोस्तों, तो बहुत जल्द ITBP में वैकेंसी निकलने वाली है दोस्तों, उसका हम आपको जल्दी से नोटिफिकेशन देने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद एंड जय भारत।